अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डोज कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। दो तीन फार्मूले आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला फार्मूला हमारे पास है क्वांटिटी या नंबर ऑफ टेबलेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर आपको किसी मेडिसिन के बारे में, टेबलेट्स के बारे में डोज का बोले कि इसको इतने mg दे दो, तो वो आप कैसे फार्मूले के साथ निकालेंगे? तो फार्मूला ये है कि डिजायर डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज। डिजायर डोज को हम डॉक्टर ऑर्डर्स भी कह सकते हैं, और डिजायर डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबलेट्स। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है क्वांटिटी या नंबर ऑफ टेबलेट्स मालूम करने के लिए। डॉक्टर ऑर्डर्स 1 mg ऑफ डाइजीफार्म, 2 mg टेबलेट इज अवेलेबल, हाउ मेनी टेबलेट्स विल यू गिव? तो फार्मूले के मुताबिक अभी हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इस एग्जाम्पल को कैरी आउट करते हैं। डिजायर डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज इज इक्वल टू क्वांटिटी। डिजायर डोज हमारे पास था 1 mg और हमारे पास जो अवेलेबल था वो 2 mg था। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.5, तो हम इस पेशेंट को हाफ टेबलेट देंगे। और ये सेकंड फार्मूला हमारे पास वॉल्यूम के लिए है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इंजेक्शन है, वो कितने वॉल्यूम में डाइल्यूटेड है और हम पेशेंट को कितना उसमें से देंगे, डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया है, वो सब सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दूसरा फार्मूला है। फार्मूला है डिजायर डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ml में आएगा, हम पेशेंट को उसमें से इतने ml देंगे। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। ओके गाइस, तो उस एक फार्मूले पे एग्जांपल है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 30 mg फ्यूरासिमाइड थ्रू IV, और जो हमारे पास अवेलेबल डोज है वो है 10 mg और वो डाइल्यूट है 1 ml में। तो डेटा को पुट करते हैं फार्मूला में। फार्मूला हमारे पास है डिजायर डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज क्रॉस वॉल्यूम। डिजायर डोज हमारे पास 30 है और अवेलेबल डोज 10 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 3। तो उसको भी फार्मूले के मुताबिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम हमारे पास 1 ml है, तो 3 × 1 = 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 ml, तो हमने पेशेंट को 3 ml देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।